भेलखी नहे सासु है दूराही से करत बिरहन मां न से हो लंका लंका गढ़ डगमग डोले सासु सासु मां मैंने बड़ी भयानक स्वप्न देखी है माता श्री मैंने बड़ी भयानक स्वप्न देखी है सासु माँ मैंने स्वप्न में देखी कि मेरे स्वामी लड़ाई के मैदान में बेमौत मारे गए दूर से ही गरज गरज के हनुमान जोर जोर से गर्जना कर रहा है हनुमान के गर्जना से सारी लंका डगमग डगमग डोल रही है सासु माँ मैंने बड़े भयानक स्वप्न देखी है सासु माँ बड़े भयानक स्वप्न देखी है मंदोदरी सुलोचना को अपनी बाहों में छुपा लेती सुलोचना से कहती नहीं बेटी तू सधवा नारी है तू सुहागिन है और किसी सुहागिन स्त्री को रात को अपने पति के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए तेरा सुहाग अमर है बेटी अगर तुम्हारे सुहाग के ऊपर कोई आंच आने वाली है तो जा बेटी तू कुलदेवी के मंदिर में जा देवी देवताओं की पूजा कर पूजा अर्चना करके अपने पति की लंबी आयु के लिए देवी देवताओं से आशीर्वाद मांग बेटी जाओ पूजा कर। सुलोचना सवेरे उठी जल्दी जल्दी से धज के तैयार हो रही है और इधर लखन लाल जी और मेघनाद एक दूसरे से भिड़े हुए मेघनाद जब कोई बाण चलाता है लखन लाल जी के ऊपर तो लखन लाल जी मेघनाद के बाण को बीच में ही काट देते बीच में ही मेघनाद के बाण को काटते और फिर लखन लाल जी बाण चलाते तो मेघनाद के शरीर में बाण धसा देते। लड़ाई लड़ते 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 जब मेघनाद का शरीर जर्जर होने लगा मेघनाद सोचा अब इसके साथ हंसी मजाक करने से कोई फायदा नहीं है अब इस लखन का प्राण लेने में ही फायदा है प्राण ले लेना चाहिए। मेघनाद रथ पर सज के तैयार हो गया धनुष को हाथ से रथ पर रख दिया और आंख बंद किया तन मन वचन कर्म सबको एक किया हृदय पर काबू करते हुए इंद्रिय को बस में करते हुए आत्मा को संतुलन बनाते हुए मन से आह्वान किया मंत्रोच्चार किया मन से मंत्रोच्चार करते ही मेघनाद के सामने एक अग्निबाण जो आग बरसाता हुआ चमकता हुआ गरजता हुआ अग्निबाण मेघनाद के सम्मुख प्रकट हुआ। मेघनाद वो बाण उठाया और धनुष के डोरी पर चढ़ा के आंख बंद करके मंत्र उच्चारण करके लखन लाल जी के ऊपर चलाया वो अग्निबाण मेघनाद के धनुष से तो चला लेकिन लखन लाल जी के पास पहुंच के चारों तरफ परिक्रमा करके और वो अग्निबाण वापस हो गया। मेघनाद का रथ दो कदम पीछे हटा आश्चर्य ये कैसे संभव है। कोई बात नहीं अग्निबाण लक्ष्मण को नहीं मारा अब मैं फिर से उसी शक्तिवान का आह्वान करता हूं। अब आंख बंद किया दोबारा शक्तिवान का आह्वान किया धनुष के डोरी पर चढ़ा के जो मार दिया वो शक्तिवान भी चला है और दोबारे लखन लाल जी के शरीर को प्रदक्षिणा करके वापस मेघनाद के तरकस में चला गया। मेघनाद का आत्मविश्वास टूट रहा है लेकिन हिम्मत नहीं हारा। मेघनाद कहा कोई बात नहीं अब नारायण अस्त्र का प्रयोग करता हूं। नारायण अस्त्र का आह्वान किया धनुष के डोरी पर चढ़ाया और नारायण अस्त्र वो बाण है जिस बाण का कोई काट नहीं है। नारायण अस्त्र जिसके नाम से चलाया जाए वो बाण उसका खात्मा करके ही लौटेगा।
नारायण अस्त्र को चलाया मेघनाद, लेकिन वो नारायण अस्त्र भी लखनलाल जी के चारों तरफ परिक्रमा तीन बार किया और फिर जाके मेघनाद की तरकस में समा गया। मेघनाद का रथ और दो कदम पीछे हटा, ये कैसे संभव है? नारायण अस्त्र जिसको कुछ नहीं बिगाड़ सका, कोई बात नहीं, अब मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता हूं। और देखिए ब्रह्मास्त्र वो शक्ति है जिसके नाम से जिसके ऊपर चलाया जाए, ब्रह्मास्त्र में वो ताकत है कि इस धरती का टुकड़ा टुकड़ा करके समुद्र में डुबा सकता है, तीनों लोगों को समाप्त कर सकता है। वो ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन वो भी लखनलाल जी का प्रदक्षिणा करके वापस तरकस में आ गया। मेघनाद होश में आ गया, मेघनाद समझ गया कि मैं जिसे मारना चाहता हूं वो कोई साधारण नहीं, वो कोई साधारण इंसान नहीं है, साधारण प्राणी नहीं है। मेघनाद वहीं से रथ को पीछे घुमाया, भागना शुरू किया और मेघनाद भागते 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 लंका के राजमहल में पहुंच के पिताश्री पिताश्री पिताश्री। रावण सो रहा था, रावण उठ के आया तीसरे मंजिल पर से, ऊपर से नीचे झांक रहा, ओ मेघनाद बेटा मेघनाद आ गया, राम को मार गिराया ना, राम को मार दिया बेटा, लक्ष्मण को मार दिया ना। मेघनाद कहा पिताश्री प्राणिपात पिताश्री, क्षमा चाहता हूं पिताश्री, मैं राम को नहीं मार सका पिताश्री, मैं लक्ष्मण को भी नहीं मार सका। क्या राम लक्ष्मण दोनों में से किसी को नहीं मारा? हाँ पिताश्री। तो फिर लड़ाई के मैदान से भाग के आए हो? मेघनाद रावण के यश को कलंकित कर दिया तुमने। कहा पिताश्री मैं भाग के नहीं आया हूं पिताश्री, मैं लड़ाई लड़ते लड़ते लक्ष्मण में एक अद्भुत शक्ति को देखा, लक्ष्मण कोई साधारण प्राणी नहीं है पिताश्री, साक्षात नारायण का अंश है लक्ष्मण, मैंने उसके ऊपर नारायण अस्त्र चलाया, वो नारायण अस्त्र भी लक्ष्मण का परिदक्षिणा करके वापस आ गया, अग्निबाण चलाया, वायव्य अस्त्र चलाया, पशुपत अस्त्र चलाया, सारे अस्त्र प्रदक्षिणा करके वापस मेरे तरकस में आ गया। पिताश्री मैं भाग के नहीं आया हूं पिताश्री, मैं आपको समझाने आया हूं कि है पिताश्री संभव हो सके तो आप भी जाइए राम के शरण में, जाइए पिताश्री, सीता को श्री राम के हवाले कर दीजिए पिताश्री, और राम के शरण में चले जाइए, आपकी जिंदगी बच जाएगी पिताश्री, आप जीवित रह पाएंगे, अगर ऐसा नहीं करते तो राम के हाथों हमारे वंश का कोई रोने वाला भी नहीं बचेगा पिताश्री, सारा वंश विनाश हो जाएगा, क्योंकि राम और लक्ष्मण कोई साधारण योद्धा नहीं है, वो साक्षात नारायण है। मेघनाद बाप को समझाया ना, रावण के पूरे शरीर में आग लग गया, कहा मेघनाद मेघनाद एक तुम ही बचा हुआ था हमको समझाने के लिए, अरे तू लड़ाई के मैदान में लड़ते लड़ते मर जाता तो अच्छा प्रतिष्ठा पाता, मरा नहीं और पीठ दिखा के भाग के मेरे पास जान बचाने आ गया, जाओ मेघनाद दोबारा अपना ये शक्ल मुझे दिखलाने नहीं आना। मेघनाद कहा पिताश्री मैं तो आपको समझाने आया था आपके हित के लिए, नहीं माने तो कोई बात नहीं पिताश्री, मैं जा रहा हूं पिताश्री, इस मेघनाद का अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए, क्योंकि लड़ाई के मैदान से मैं लौट के आने वाला नहीं हूं, मैं मारा जाऊंगा पिताश्री, इसलिए आपको अंतिम प्रणाम करता हूं। अंतिम प्रणाम करके मेघनाद लौट चला, और इधर लखनलाल जी मेघनाद का प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शायद पीठ दिखा के भाग गया, तब तक मैं मेघनाद वो
धनुष और बाण लिए हुए रथ को दौड़ाता हुआ चला जा रहा है। देखा जाए कहा है कवि ने कि सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। ससु कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, छोटो ससु कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने का सब सामान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी 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 आएगी। मेघनाथ का मौत, मेघनाथ का प्रतीक्षा कर रहे थे। दोबारे जो मेघनाथ गया लड़ाई के मैदान में, लखनलाल जी ने पहला बाण चलाया, मेघनाथ का दाहिना भुजा, दाहिना हाथ काट के हवा में उड़ा दिया। मेघनाथ का दाहिना हाथ कटा, वो दाहिना हाथ हवा में उड़ते 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 सुलोचना उधर पूजा की डाली सजाई, पूजा की थाली सजा के, धूप आरती जला के, फूल अक्षत चंदन सिंदूर और दीप जला के पूजा करने जा रही थी। फूल वाली डाली हाथ से छूट के जमीन पर गिर गए। अब शगुन हुआ, थाली में जो दीप जल रहे थे वो दिया बुझ गए। अब शगुन हुआ, सुलोचना घबरा रही है। तब तक में हवा का एक झोंका आया और आकाश मार्ग से मेघनाथ का कटा हुआ हाथ सुलोचना के अंगना में धराम से गिरा। अब कटा हुआ हाथ गिरा, सुलोचना देखी, अरे ये हाथ तो मेरे स्वामी का है। हाथ से थाली छूट के जमीन पर गिर गए। दौड़ के हाथ के पास पहुंची, स्वामी 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 स्वामी, क्या किया स्वामी? इस हाथ को देख के मेरे हृदय को यह तसल्ली नहीं हो रही है कि ये मेरे पति का हाथ है। दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो मेरे पति का उंगली पकड़ सके, लेकिन ये मेरे पति का हाथ काटने वाला कौन हो सकता है?
कौन हो सकता है। हे मेरे पति के कटे हुए हाथ, अगर आप सचमुच में मेरे स्वामी के हाथ है तो जमीन पर लिख के हमें बताइए कि आपको मारने वाला कौन माई का लाल है। वो कटा हुआ हाथ जमीन पर, जो चंदन गिरा हुआ था जमीन पर लिख रहा है, सुलोचने सुलोचने कि बारह बरीस अननिंद ते जल से तिरिया त्रिया मोन देखबे कलखि नहे। बरहे परेश अननिंद ते जल से तिरिया त्रिया मोहन देखबे कलखी नहे। सती है हुनके हाथे भेल हमरो मरा ना सहरन के रन के खबरिया लिखलों हे। सती है हुनके हाथे सुलोचना। हे देवी, मुझे ये वरदान था कि धरती पर का वही वीर मुझे मार सकता है जो 12 बरस तक अपने पत्नी का मुंह नहीं देखा हो। मुझे वही मार सकता है जो 12 बरस तक अन्न नहीं खाया हो। मुझे वही मार सकता है जो 12 बरस तक नींद नहीं लिया हो, सोया नहीं हो। मुझे वही मार सकता है जो 12 बरस तक अन्न जल का त्याग किया हो। और ये सारी गुण श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण में विद्यमान है। सो हे सुलोचने, लक्ष्मण ने मेरा उद्धार किया, लक्ष्मण के हाथों में वीर गति को प्राप्त हुआ हूं। जो ही लिखा न हाथ सुलोचना एक बार राख जमीन पर त्राव से स्वामी 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 नहीं स्वामी नहीं स्वामी स्वामी आपने मेरे साथ बेवफाई किया है स्वामी। और दिन लड़ाई के मैदान में जाते थे तो मुझसे चंदन लगवाते थे, विजय माला धारण करवाते थे। आज आपने हमसे कुछ चंदन भी नहीं लगवाया, वो विजय का हार भी नहीं पहना और चल दिए स्वामी स्वामी। कि फूलवाला सजिया असजिया लगाई के पिया अपिया संग सो सखिया है आप के लई है बैरी बैरी ने द परदेसिया छोरी के भागिए गे लई है।
छोरी के भागिए गेलै हे सखिया हे आपे गेलै हे बैर बैरे ने द परदेसिया छोरी के भागिए गेलै हे ए सखिया हे परदेसिया छोरी के भागे के लई रोपते रोपते नैना भेल धान धरी से नैना नदिया बहलै हे सखिया हे पिया मोरा हे भेल डुमरी के फो ल परदेसिया छोरी के भागी गेलै हे अलप परिस दुख भेल भारी हे पिपातिया सिर पर पारिए गेलै पिपातिया सिर पर परिए गेलै हे सखिया हे तिना मोरा हे भेल दुरदे न परदेसिया छोरी के भागिए गेलै हे सुलोचना के सामने उकटा हुआ हाथ लिखा कि प्रिय मेरा दाहिना हाथ काट के लखन ने तुम्हारे पास भेज दिया मेरा बायां हाथ कट के रणभूमि में पड़ा मेरा मस्तक काट के रामा दल वालों ने छुपा के पीताम्बरी में ढक के रखा लखन लाल जी जब मेघनाद के मस्तक को काट रहे थे बाण जो चलाना चाहे भगवान श्री राम पीछे से आके आवाज लगाए लखन मेघनाद का मस्तक काटना लेकिन बाण को इतने तेज गति में रखना कि मेघनाद का मस्तक जमीन पर गिरने ना पाए
अगर मेघनाद का ये मस्तक जमीन पर गिर गया तो ये धरती रसातल में मिल जाएगी। मेघनाद के मस्तक से जोरों का धमाका होगा और संपूर्ण सृष्टि का समाप्ति हो जाएगी। लखनलाल जी बाण चलाए, मेघनाद का मस्तक कटा, जमीन पर गिरने वाला था, भगवान श्री राम झट से अपने पीताम्बरी में उठा लिया, अपनी चादर लगा दी, पीताम्बरी में उठा लिया, थाली में ढक के रखे। सुलोचना दौड़ के गई अपने ससुर रावण के पास। बाबू जी पिताश्री पिताश्री पिताश्री, अच्छा हुआ ना, अब तो आपका ज्येष्ठ पुत्र भी नहीं रहा जो आपको पानी दे सकता। आप जो चाहते थे करवा दिए पिताश्री, आपका वंश विनाश हो गया पिताश्री, मेरी सुहाग उजर गई पिताश्री, आपके जिद ने मेरा सुहाग छीन लिया पिताश्री। अब मैं आपके सामने प्रार्थना करने आई कि आप मुझे रामादल जाने की अनुमति दीजिए, मैं श्री राम के पास जाना चाहते हूँ। मेरे पति का कटा हुआ मस्तक रामादल में मौजूद है, मैं उस मस्तक को मांग के ले आऊंगी। मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री, रामादल में जाने की अनुमति दीजिए। रावण सुलोचना का आंसू भी नहीं पोंछ सकता था। रावण अनुमति दिया, सुलोचना रथ में ये पालकी में बैठी, चार कहार ने पालकी को उठाए हुए रामा दल में ले गया। सुलोचना रास्ते में पति को याद करके आंसू बहाती जा रही है। स्वामी पति देव, पति देव, आपने हमारे साथ बेवफाई किया स्वामी, बेवफाई किया स्वामी। सुलोचना रोती जा रही है पालकी में, अपने पति के सूरत को याद करके रोती जा रही है, बिलखती जा रही है। आपकी आँखियाँ से बहलई रे पानी चरबा भी दई हे सखिया, आँखिया से बहलई रे पानिया, चरबा भी दई हे सखिया। कैसे हम भूला भई, कैसे हमें भूल भई, कैसे हमें भूल भई, कैसे हमें भूल, कैसे हमें भूल पाई हो दैबा, कैसे हमें भूल पाए हो दैबा, स्वामी के हो सुरतिया, पति से बिछुड़ने का गम क्या होता है। सुलोचना दर्द बयान करती हुई पालकी में बैठी हुई, जो ही रामादल पहुंचे, सुग्रीव जामवंत अंगद नल नील सब देखा, अरे वो देखो पालकी आ रही है, ओ, लगता है रावण का बड़का बेटा मारा गया न, रावण डर के मारे हमारी माता सीता को वापस भेज दिया, लगता है हमारी माँ को ये सब राक्षस छोड़ने आ रहा है। तब तक मैं पालकी नजदीक पहुंचे, पालकी से सुलोचना जो ही जमीन पर उतरी, सारे रामा दल वाले हक्का बक्का रहे, कौन हो
कहे जी मैं सुलोचना हूं, कहां आई हो? मेरे पति का कटा हुआ मस्तक रामादल में है, मैं अपने पति का मस्तक लेने आई हूं। सुग्रीव आगे बढ़ा, किसने कह दिया कि तेरे पति का कटा हुआ मस्तक यहां है? सुलोचना कही मेरे पति का कटा हुआ हाथ लिख के बताया मुझे कि मेरे ये मेरा दाहिना हाथ तुम्हारे पास है, मेरा शरीर रणभूमि में पड़ा हुआ है और मेरा मस्तक काट के रामा दलवाले रखे हुए। सुग्रीव जोरदार ठहाका मार दिया। सुग्रीव ठहाका मार, कहा भाइयों दोस्तों देख लो ये हम सबों को बेवकूफ बनाने आई। अरे कटा हुआ हाथ कहीं लिख सकता है? इसके पति का कटा हुआ हाथ लिखा कि मेरा कटा हुआ मस्तक रामादल में है, एकदम झूठ असत्य है ये। सुलोचना कहीं नहीं बाबूजी, मैं सत्य कहती हूं कि मेरे पति का कटा हुआ हाथ ने लिख के मुझे बताया कि मेरा कटा हुआ मस्तक रामादल में है। सुग्रीव कहा अच्छा, तेरे पति का कटा हुआ हाथ लिखा, जब कटा हुआ हाथ लिख सकता है, अच्छा कटा हुआ हाथ लिख भी सकता है, ये बात मैं कैसे मान लूंगा? हाँ मानूंगा। एक काम करना होगा तुझे, एक काम करो, तेरे पति का ये कटा हुआ मस्तक तुम्हारे सामने रख देता हूं, तू अपने पति के कटे हुए मूरी से कहो एक बार ठहाका मार के हंस देने के लिए। तेरे पति का कटा हुआ मूरी अगर ठहाका मार के हंस दिया तो हम मान लेंगे कि तेरे पति का कटा हुआ हाथ भी लिखा होगा। देखिए सती की परीक्षा। सुलोचना के सामने वो थाली वाला मस्तक रखा गया और मेघनाद का मस्तक थाली में रखा हुआ है। सुलोचना जमीन पर घुटने के